लगभग सभी सवालों के जवाब इस सीजन में आप लोगों को मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज के थर्ड सीजन के बारे में। तो एक शुरुआत होती है फर्स्ट सीजन में, जिसमें टाइटन्स दिखाए गए थे, जिसमें हमें नहीं बताया गया था कि वो एक्चुअल में कहां से आए। लेकिन इस सीजन में आपको पता चलेगा कि जो टाइटन है वो कहां से आए। ये सारे सवालों के जवाब आपको ये सीजन जो है, इसका थर्ड सीजन है, वो बखूबी से देगा। इसका थर्ड सीजन बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स और रिलीजियस बेस्ड है। सच में यार, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पॉलिटिक्स जो दिखाना है इसके अंदर। और एक तरीके से मैं कहूंगा, इसमें जो पॉलिटिक्स दिखाई गई है वो एक सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। एक राजा को हटाकर इस्टोरिया को वापस क्वीन बनाना, और इसके लिए जो प्लान, जो इरविन जो प्लान बनाता है वो कमाल का होता है। और जो इसमें इरविन का मरना होता है यार, वो इतना ज्यादा तकलीफ दे होता है, वो इंसान सोचता भी नहीं। और जब उसने ये डिसाइड किया कि वो बीस्ट टाइटन का ध्यान जो है वो और कहीं ले जाएगा, ताकि लीवाई उसको जाकर उसको मार सके, और इसके लिए मैंने सोचा कि यार वो कुछ और प्लान बनाएगा, इसमें बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता यार। जैसे जैसे वो पत्थर फेंक रहा होता है यार, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, बस यकीन नहीं हो रहा था कि यार नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। बट एक्चुअल में वो अपनी जान दे देता है। और अगर मैं इन तीनों सीजन में एक इरिटेटिंग करेक्टर की बात करूं, तो वो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग करेक्टर लगा एरन का। यार सच में, अगर इस इंसान के पास पावर ना होती और इसके पास इसको बचाने के लिए मिकासा ना होती यार, ये कब का मर गया होता। एरन को यार काफी ज्यादा जगह कंफ्यूज दिखाया गया, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे करना क्या है और कैसे करना है। यार ये सब चीजें हमने उससे एक्सपेक्ट नहीं की थी। कुल मिलाकर एरन को इन तीनों सीजन के अंदर जैसे पोर्ट्रेट किया गया कि वो मेन किरदार है, बट देखकर ऐसा लगता है कि यार उसमें ये काबिलियत नहीं है। बाकी इस सीजन में मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर रहा लीवाई। यार उस इंसान ने बीस्ट टाइटन के साथ जो लड़ाई की, और उसके बाद बीस्ट टाइटन जो भागता है बचकर, वो कहता है कि ये मैच ड्रॉ हुआ। अरे तुम मजाक कर रहा था यार, वो ड्रॉ था। उसने मतलब, छोड़ो यार, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। और एटलीस्ट इस सीजन के अंदर उस बेसमेंट का राज खुल जाता है, जो फर्स्ट सीजन से काफी ज्यादा मिस्ट्री में बना हुआ था। और जैसे ये राज खुलता है, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि एक्चुअल में जो टाइटन है वो कैसे बने हैं, लोग उनको कैसे बना रहे हैं, एक दवाई जो है वो आती है इसको बनाने के लिए। यार ये सब चीजें इसमें दिखाना यार, मतलब मेरे पास यार मतलब शब्द नहीं है इस चीज को बयां करने के लिए, कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे सामने इन चीजों को रखा गया है। और इसके अंदर अब एक नया चैप्टर जुड़ जाता है। अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का ट्रेलर देखा है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसमें क्या हो रहा है। सिंपल शब्दों में कहूं तो दो समूहों के बीच में लड़ाई होने वाली है। एक समूह जो इन तीन दीवारों के बीच में, मारिया, रोज, सीना, इन तीन दीवारों के बीच में रह रहा है, इनको मजबूर कर दिया गया था। जो बाहर की जो दुनिया के जो लोग हैं, इनको मजबूर कर दिया गया था, ताकि एक आइलैंड पे फंस कर इन तीन दीवारों के बीच में ही रहे। और जो अब तक ये टाइटन्स को मारते आ रहे थे, तीन दीवारों के बीच में जो लोग थे अब तक ये टाइटन को मारते आ रहे थे, अब इनको ये पता चले कि जो टाइटन है वो इन्हीं के समूह के लोग हैं, इनके पास पावर है टाइटन में कन्वर्ट होने की, बाकी दुनिया इस चीज से डरती है, तभी इन लोगों को यहां पर कैद करके या फिर एक तरीके से मेन दुनिया से डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। पूरा वर्ल्ड इस आइलैंड से नफरत करता है, इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों से नफरत करता है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो टाइटन में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर उनके पूर्वज जो थे वो टाइटन थे। इन सब चीजों के लेकर इनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और अब यहां पर एक जो चीज पता चलती है कि काफी 100 सालों से ये जो दीवारें बनी हुई थी, किसने बनाई थी, ये इन्हीं के राजा ने, जो टाइटन थे उन्होंने आपस में मिलकर ये दीवार बनाई थी, ताकि यहाँ पे शांति क्रिएट हो सके। और यहाँ पर अपने ही लोगों की याददाश्त जो मिटा दी गई थी, ताकि लोग यहाँ पर शांति से रह सके। लेकिन अब जब उनको ये पता चलेगा कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा या कितना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है, लोग उनसे डरते हैं, उनको इस करके इस आइलैंड पे कैद करके रखा गया, उनको मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया, तो इन लोगों के अंदर गुस्सा फूटना तो जाहिर रूप से बनता ही है। अब खुद सोचो कि एक झूठ बोलकर इन लोगों को एक दिन तीन दीवारों के अंदर बंद करके रखा गया, इनको कहा गया कि अगर तुम बाहर जाओगे तो टाइटन तुमको खा जाएंगे, और ये खुद टाइटन्स को मारने पे तुले हुए हैं, और अपने ही लोगों को मारने पे तुले हुए हैं एक तरीके से। और इनको ये पता चले, इनकी सच्चाई पता चले कि लोगों ने इनसे डर कर इनको इन तीन दीवारों पे कैद रखने के लिए मजबूर कर दिया है। और बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, और अभी भी ये लोग हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी डटे हुए हैं। एनी जिसे फर्स्ट सीजन में दिखाया गया था, फर्स्ट सीजन के एंड में हमें देखने को मिलता है कि उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसे सेकंड सीजन में नहीं दिखाया जाता, उसे थर्ड सीजन के अंदर भी नहीं दिखाया जाता। आई होप सो जो इसका फोर्थ सीजन आने वाला है, उसके अंदर हमें एनी को देखने को मिल जाए। और कुछ चीजें और जो पता चलती है कि एरन का जो सोतेला भाई जो बीस्ट टाइटन है, और जो 9 प्रमुख जो टाइटन है, अगर उनके पास किसी की भी पावर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल के लिए ही जिंदा रह सकते हैं, उनके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये थर्ड सीजन यार आपके हर एक सवाल का जवाब अपने साथ लेकर आया हुआ है। मुझे ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा कमाल के लगी। इसके एनिमेशन तो कमाल के थे ही फर्स्ट और सेकंड सीजन में, और इसके जो थर्ड सीजन जो इसकी स्टोरी को इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया यार, वो बहुत ज्यादा शानदार लगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे, मतलब एक
चुम्बेश्वर कहानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर एनिमेशन बहुत कमाल के, इसके अंदर एक्शन बहुत कमाल के। अब एक चीज जो है जो मैं ऑलरेडी अपने अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि यार देखो इसके अंदर अब जो स्टूडियो है वो चेंज कर दिया गया है, विट स्टूडियो से मापा स्टूडियो आ गया है, कि मापा स्टूडियो इसका सीजन 4th लेके आने वाला है। मापा स्टूडियो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके एनिमेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे एनिमे क्रिएट करता है, ये चीज हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक चीज होती है ना, डर लगा रहता है कि एक अच्छा स्टूडियो ज्यादा विट स्टूडियो था, वो अपना काम बखूबी कर रहा था, फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि उसको मापा स्टूडियो को अपना काम देना पड़ा। खैर जहां तक मैंने इंटरव्यू में पढ़ा तो वो यही कहा कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे थे कि इस चीज को अच्छे से मेंटेन कर सके, इसके सीजन 4th को एक अच्छे से मेंटेन कर सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर शो है। अब देखो यार मुझे नहीं पता इसके सीजन 4 में क्या होने वाला है। अब जहां तक मैंने सुना है, जितने यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा है, कि इसमें अंदर कुछ एक ट्विस्ट आने वाला है, कोई मरने वाला है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि मैं कोई भी मांगा नहीं पढ़ता हूं तो इसलिए मुझे नहीं पता। पर ये अच्छी बात है क्योंकि यार एक्साइटमेंट बनी रहेगी कि इसके सीजन 4 में ऐसा क्या होने वाला है, और इसका बेसब्री से इंतजार है, और बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूं कि यार इसके जो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 जिसने एक दिल में जो जगह बना ली है, इसका सीजन 4 यार उस चीज को खत्म ना कर दे। आई होप सो। यार देखो एक डर तो लगा ही रहता है ना कि यार एक स्टूडियो जो चेंज होता है तो यार बहुत मतलब होता है ना, डर लगता है यार। अब वो वन पंच मैन का ही आप उदाहरण देख सकते हो, उसका फर्स्ट सीजन काफी अच्छा था, लेकिन सेकंड सीजन में जैसे ही उसका स्टूडियो चेंज हुआ तो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ चीजें। और ऐसा मैं मतलब यार वही चीजें आ जाती है ना, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट एक डर जो है मुझे बहुत ज्यादा, ये सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आई काफी टाइम से, जैसे नारुतो हो गया, वन पीस हो गया, या फिर और जो मेरी सीरीज फेवरेट सीरीज थी एनिमे के अंदर, उनके बाद जो है ये वाली सीरीज मुझे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इसको मैं कहूंगा कि यार मेरी फेवरेट एनिमे सीरीज के अंदर आती है ये चीज। और अब बात करते हैं, देखो यार किसी ने ये सीरीज एक भी इसका सीजन नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर भाई साहब इसको पूरा देखो यार, तुम्हें तृप्ति प्राप्त होगी, मतलब तुम्हें ज्ञान की तृप्ति है, प्रसन्न ज्ञान की तृप्ति तो कैसे कह सकता हूं, मतलब एंटरटेनमेंट की तृप्ति प्राप्त होगी। तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में वर्क क्या है, काम क्या है, मतलब यार एक अच्छा काम, एक अच्छी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब वो लोग मत आ जाना यार, एनिमे है, कार्टून है, यार मैं तुम जैसे लोगों से क्या ही बात करूं, तुम्हें नहीं पता कि आर्ट क्या होता है। खैर छोड़ो यार, बाकी अगर किसी ने देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।